हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। थ्री थ्री क्वार्टर की एनर्जी क्या रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, क्या एनर्जी आपकी रहेगी, क्या एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी और उनका क्या एक्शन रहेगा उसके बाद, एक्चुअली क्या माइंडसेट में आपके पार्टनर रहेंगे आफ्टर थ्री थ्री क्वार्टर और आप भी कैसे रहेंगे देखूंगी। डिटेल में थोड़ी रीडिंग होगी। तो गाइज, फटाफट चैनल पर बने रहिए, लाइक बटन देना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह फैमिली का हिस्सा बने रहना। सॉरी गाइज, मैं थोड़ा ना बहुत ज़्यादा मेरा शेड्यूल बिजी हो चुका है, इसलिए ना रीडिंग डाल नहीं पा रही हूँ मैं। थोड़ा मार्चेंडिक तक रहेगा ये। मैं आपकी पहले एनर्जी निकाल रही थी, क्या पहले मैं क्लींस कर लूँ कार्ड्स अच्छे से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, थ्री थ्री पोर्टल के बाद जो दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी क्या एनर्जी रहेगी। देखिए, अब क्लींस किया तो दर्शक तो है भाई अच्छे एनर्जी में है, जो व्यूअर है मेरे तो थोड़े है ट्रस्ट इशू आपको आपके रहेंगे। कुछ बाउंड्रीज खुद पे डालते हुए भी दिख रहे हैं या फिर सोच रहे कि इतना तो सारा काम मैंने कर लिया है, फिर भी जो चाहिए वैसा मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में। प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। एम्परर ईगो में भी रहेंगे आप, थोड़ा एंगर इशू, ईगो इशू, पार्टनर नहीं बात कर रहे तो मैं क्यों करूं। अब उनकी भी एनर्जी देख के पता चल जाएगा। मैं आप ही को नहीं बोल रही, मैं बस एक एनर्जी बोल रही हूँ कि हो सकता है आप में ना थोड़ा ईगो और एंगर इशू आप में ज़्यादा बढ़ जाए। एक मुंह के आप सोचेंगे या फिर हो सकता है आप मूवमेंट भी करें इस रिलेशनशिप को लेके। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स अपने एनर्जी में फिर से आ रहे हैं आप, कोशिश करेंगे आप और जो इनसिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यू उस पर भी काम करेंगे। इनसिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यू क्यों होते हैं गाइस, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं रहा है और समझ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। देखिए, ऐसा पेंटिकल का कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग, आप डेफिनेटली चाहते अपने पर्सन के साथ। जजमेंट नहीं, टेम्परेंस आया है, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आप। जेमिनाय, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। सिक्स ऑफ कप्स, आ जाएंगे आप अपनी एनर्जी में, काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी सोच भी रहे भाई, इतना तो काम मैं कर रही हूँ, इतना कुछ दे रही हूँ और जैसा चाह रहा है वैसा मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप है तो आउटपुट नहीं मिल रहा है, कहीं करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप सोच रहे हैं, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। बट शायद आपको मिल रहा है क्योंकि एनर्जी उतनी भी फिर हैवी नहीं है। न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग, अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे और यस, आपका अच्छा खासा कम्युनिकेशन अपने पर्सन के साथ होगा। डोंट वरी, आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पर्सन के साथ, न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग करेंगे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो, और एक स्टेबिलिटी एक पैशन लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। और यस, आपके कंप्लीट दिल दिमाग में तो भाई प्यार प्यारी प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यार लेके आप बैठे हो, बट कभी कभी ना दिमाग में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं आपके जो आपको थोड़ा ईगो आप में ला सकता है आगे चलकर, या फिर इस पोर्टल का इफेक्ट हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपके फैमिली में एक ऐसे पर्सन है जो कंट्रोलिंग है और जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, या फिर आप उनको ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए, नाइन ऑफ पेंट्स की एनर्जी में क्लेरिफाई करूंगी आपकी। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करिए, नाइन ऑफ पेंट्स की एनर्जी क्यों है। एक
किसी किसी के लिए ना पास्ट लाइफ कनेक्शन भी, देखिए नाइन ऑफ वैंड का क्लैरिफाई कर रहे हैं, पेज ऑफ वैंड्स के डबल एनर्जी आ गई गाइस। ये सिक्स स्टार्ट करेंगे आप, एक्शन लेंगे, बट थोड़ा ना आपके मन में थोड़ा इमैच्योर थॉट प्रोसेस रहेगा आपका पर्सन को लेके। क्लियरिटी, आपकी रिलेशनशिप में क्लियर कम्युनिकेशन होती हो मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, या फिर ये किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है, न्यू लव लाइफ में आ रहा है किसी के। पेज ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, देखिए टेम्परेंस के ठीक ऊपर आप बना लेंगे, आप बैलेंस अच्छे से बना लेंगे। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप में या फिर अगर पास्ट में आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई दिख रही है। एक ऐसा पर्सन जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, एक स्टेबल है, अच्छा है और बहुत सारा पैशन उसमें है, बहुत ज़्यादा फीलिंग और जानता है किस तरह से वैल्यू की जाती है, किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है, जानता है। ऐसी एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में एक आती हुई दिख रही है, या तो पर्सन के जरिए या फिर आप ही करेंगे अपने पर्सन के साथ, या फिर आपको मिलेगा अपने पर्सन से। एम्परर की एनर्जी क्यों है, एम्परर को क्लेरिफाई कराए टू ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ, है ना। ये एम्परर वही डिवाइन मस्कुलिन लग रहे हैं आपके, तो यस आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ आपका यूनियन हो रहा है। अगर ये मस्कुलिन नहीं है, ये सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है मुझे, तो अपने पर्सन के साथ अपना रीयूनियन डेफिनेटली हो रहा है। और अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो भी मिलती हुई दिख रही है। या तो अपना पास्ट का ही पर्सन आ रहा है, नहीं तो एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो सच में आपके ट्विन फ्लेम हो, जो आपको सही तरह से सोचेंगे समझ लेंगे और आपके साथ हर रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको वो सारा देंगे जो आप चाहते थे, बहुत सारा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, लॉयल्टी, क्योंकि एस ऑफ सोर्स अगेन इट डिफाइंस लॉयल्टी, तो लॉयल्टी के साथ एक ऑनेस्टी के साथ आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो बढ़ेंगे और डेफिनेटली आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अगर पास्ट में आपने किसी पर्सन से धोखा खाया था ना, तो डेफिनेटली अब यूनिवर्स आपको वो सारी ब्लेसिंग आपको देने वाली है, आपको बस रेडी रहना है अभी रिसीव करने के लिए। मैं एक्सप्लेन करूंगी गाइस। देखिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं जजमेंट, डिवाइन अब आपके फेवर में काम करेंगे, डिवाइन अब आपके लिए देंगे, डिवाइन अब आपके लिए वो सारी खुशियाँ देंगे जो आपके आप डिजर्व करते थे, आपको मिली नहीं या फिर आपसे छीन ली गई थी, वो सारी चीज़ें अब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने अगर सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे, तो डिवाइन डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें देंगे ही देंगे। आपको बिल्कुल भी इस टाइम या फिर ऐसा कोई शक मन में लाना नहीं है। देखिए गाइस, ये ना जनरल रीडिंग है, तो ये हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का क्लेरिफाई कर रहा है शरीर का कार्ड, एक मिनट का, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट का कार्ड, तो ये डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है और कैंसर साइन बहुत ज्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि कप्स के बहुत ज्यादा कार्ड आ रहे हैं। आप अगर आपके आप ऐसे पर्सन से मिले नहीं हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहा है। अगर पास में आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली थी किसी कारणवश आपको, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपको डाल दिया था और आपने मन ही मन उनसे इमोशनली डिटैचमेंट कर लिया था रिलेशनशिप से, तो यही पर्सन एक न्यू क्लैरिटी के साथ, न्यू स्टार्ट के साथ नहीं, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि आप ही उनके ऐसे पर्सन हो जिनसे उनका जन्मांतर का रिश्ता है। उनको पता चल चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं है। इट्स अ वेरी प्रीशियस रिलेशनशिप। इस चीज़ की शायद उनको समझ आ चुकी है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल फाउंडेशन के साथ आपके पर्सन आ रहे गाइस। यहाँ पे पेज की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है,
ये पर्सन अगर एज में भी बड़े हो ना, तो हो सकता है बहुत इमेच्योर हो, नहीं जानते कि किस तरह से मतलब रिलेशनशिप में रहा जाता है, किस तरह से किया जाता है, या फिर ये पर्सन हो सकता है एज में सबसे सच में छोटे हैं। देखिए टेम्परेंस टावर मोमेंट डेफिनेटली था आप दोनों में। मैंने बोला था एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप जा रहे थे शायद, और जहाँ पे आपको बहुत सारा पेन ऑलरेडी मिल चुका था, अब आप खुद को बैलेंस पूरी तरह से बना लेंगे। या तो हो सकता है ना आपने खुद की बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, या फिर एक माइंडसेट खुद का बना लिया था। देखिए सिक्स ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करा है पेज ऑफ सोर्ट्स, तो यस आपके आप भी स्टॉक करेंगे शायद अपने पर्सन को आगे चलकर, या फिर आपकी स्टॉकिंग होगी आपके पर्सन के द्वारा, किसी न किसी जरिए से आपकी स्टॉकिंग होगी, या फिर आप खुद बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। तो मैं ये बोल रही थी कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था और आप पे बहुत बुरी तरीके से टावर गिरा था, बट अब यूनिवर्स आपके फेवर में काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, आपको एक जस्टिस देंगे, न्याय देंगे पूरी तरह से। एक आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, अब आपको रेडी रहना है अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड क्यों है मैं देखूंगी, एस ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। मैंने बोला ना एक न्यू लव, देखिए एस ऑफ कॉपी बाकी था उसकी भी ओरा लेना जाए, न्यू लव आपकी लाइफ में डेफिनेटली मैं आते हुए दिख रही हूँ। या तो ये न्यू लव है, या फिर ये पास्ट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, या फिर पास्ट में जिस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में डाल दिया था। यहाँ पे तो ऐसा तो कोई कार्ड नहीं आया थर्ड पार्टी का, बट मुझे लग रहा है कि ये किसी किसी के लिए हो सकता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तभी रहती है। अगर आप मैरिड हो तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ये हो सकता है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी जब आपसे रिलेशनशिप में थे तो ये ऑलरेडी कहीं और भी डेटिंग कर रहे थे, या फिर किसी और के साथ ऑलरेडी कमिटमेंट में थे, तो और ये चीज़ आपको पता लग चुकी थी। इन चीज़ों ने आप पे इतना बुरी तरह से टावर डाल दिया था, तो आपको बहुत टाइम लगे खुद पे काम करते करते, खुद को बैलेंस करते करते, खुद के इमोशंस या फिर खुद के सारे इश्यूज जो थे उन सबको क्लियर करते, मतलब बैलेंस करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट ये आपने ना बहुत सक्सेसफुली कर दिया। ये टावर मोमेंट पे आपने पूरी तरह से बैलेंस बना लिया, और एक न्यू स्टार्ट आपने इस रिलेशनशिप में मतलब रिलेशनशिप हो या फिर अपने लाइफ में हो, अपने आप में काम करने की आपकी जो चाहती कर लिया था। और अब जो मैं देख रही थ्री थ्री पोर्टल की एनर्जी, तो डेफिनेटली ये इनसिक्योरिटी और ट्रस्ट इश्यू थोड़े बहुत रहेंगे, बट आप वहाँ से निकलने की कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं और सक्सेसफुली आप हो जाएंगे। आपके लाइफ में आफ्टर थ्री थ्री पोर्टल एक न्यू रिलेशनशिप आएगा, नहीं तो यही पर्सन चेंज होके आएगा। देखिए कई लोग बोलते हैं कि उसने मुझे ब्लॉक अभी तक नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और एनर्जी तो ऐसी, मैं जब बोलती हूँ तो उस पर्सन की एनर्जी वैसी रहती है कि आपसे कम्युनिकेट की जाए, बट वहाँ पे अगर उसका ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो देखिए व्हाट्सएप पे भी आते हैं, आपकी विंडो भी ओपन करते हैं, मैसेज करने के लिए भी सोचते हैं, बट नहीं करते क्योंकि उनका ईगो आड़े आता है। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे एनर्जी आई है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो या तो इसी पर्सन के साथ होने वाले, या फिर कोई एक न्यू लव आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको कमिटमेंट भी देगा, प्रपोज भी करेगा और बहुत सारा प्यार देगा, जिस प्यार की आपकी तलाश थी। हो सकता है किसी के लिए काफी जन्मों से थी, या फिर हो सकता है इस किसी को कई कई सालों से थी, वो आपको मिलती है, दिख रहा है। अच्छा खासा कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ आपका शुरू होगा, या फिर न्यू पर्सन के साथ ढेर सारी आपकी लंबी बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी, एक कम्युनिकेशन से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आपका, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यूनिवर्स ने आपको कितना अच्छा गिफ्ट दे दिया है। तो थैंकफुल रहिए गाइस, आपकी तो एनर्जी बड़ी अच्छी आई थ्री थ्री पोर्टल के बाद। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी आफ्टर थ्री थ्री पोर्टल। क्या ले लूं पहले, मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ, क्लींस कर लिया मैंने, अब मैं निकालती हूँ। देखिए गाइज अगर आप इनोसेंट हो ना और आपके साथ सच में गलत हुआ है, तो आपको यूनिवर्स पे भरोसा बना ही रखना है, आपको ट्रस्ट रखना ही रखना है, क्योंकि देखिए शक करके भी आपको कोई सोल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं। तो आपने जो जहाँ पे डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, देखिए हम लोग ना बहुत बार मुझे ये भी रहता है कि मैम इस टॉपिक पे आप रीडिंग डालो कि
जिसने हमारे साथ ऐसा किया उसके साथ क्या कर्म है। तो देखिए मुझे एक्चुअली ये टॉपिक ना करना आपकी डिमांड है इसलिए मैं कर देती हूँ, बट जब हम लोग किसी के कर्मा के लिए सोचते हैं ना तो हम लोग उनकी सज़ा वैसे भी कम कर देते हैं। जब हम लोग उन पर कुछ बाउंड्रीज डालते हैं, कुछ कंडीशंस डालते हैं, तो वैसे वो सज़ा उनके लिए कम रहती है, या फिर वो खुद प्रोटेक्ट कर, हम लोग ना अपने ही अनजाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जब हम लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, हम लोग उनको मतलब आप ये मत करो वो मत करो ऐसी करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, गो विथ फ्लो आपको जाना चाहिए। क्योंकि देखिए यूनिवर्स के जो डंडे पड़ते हैं ना तो उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं ना कि आपके पर्सन को मतलब उसने जो किया उसका मिले, तो आप सरेंडर मोड पे चले जाओ, सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दो। वहाँ पे तो कोई सुनने वाला भी नहीं, और यहाँ वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आप तो बैठे नहीं हो, चलो थोड़ा बहुत आपसे मीठी बातें कर ले और आपने फिर से शुरू, तो ऐसा नहीं है, ये डिवाइन है, उसके साथ आप वो कोई खेल नहीं सकता। सबका बाप है, सबका मास्टर है, जहाँ पे आपके कैलकुलेशन ख़त्म होते वहाँ पे उनके कैलकुलेशन शुरू होते हैं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ अगर आपके साथ गलत भी हुआ है ना तो चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दो, जिसने जो किया है उसको सही जवाब सही कर्मा बस डिवाइन ही डिवाइन देंगे। ठीक है, कभी चोर बोलता है कि उसने चोरी करके गलत काम किया, वो तो बोलता है नहीं मैंने तो सही किया है, चोरी मेरा काम है, अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो मैं अपने फैमिली को, मतलब हर एक के पास एक रीज़न है। अपने वाल्मीकि की भी स्टोरी सुनी होगी कि उसके पास भी लोगों को मारने का एक रीज़न था कि मेरी फैमिली के लिए, बट जो गलत सो गलत है, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते ना आप सही हो गलत हो। आपका जो ज़मीर है ना, जो आपको हमेशा कुछ गलत चीज़ करने के पहले आपको हमेशा टोकता है, और जो सुनता नहीं है, जिसको बस गलत ही करना है, तो वो तो ज़मीर की सुनता ही सुनता नहीं है, फिर उसको यूनिवर्स अपने लैंग्वेज में सुनाते हैं। तो मैं यही आपको भी सलाह दूंगी, आप बस छोड़ दो यूनिवर्स के साथ, आप इनोसेंट हो, आपने आपके साथ ये नहीं हुआ है, और आपकी किसी ने वैल्यू ही नहीं की, रिस्पेक्ट ही नहीं की, बहुत ज़्यादा बिट्रे आपके साथ हुआ है, धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, किसी किसी के साथ अभी भी हो रही है, तो यूनिवर्स पे छोड़ दो, देख लेंगे वो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो मेरे दर्शक, अरे वाह उनकी तो एनर्जी भी उनकी भी अच्छी आ रही भाई। ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके डिवाइन मस्कुलाइन है, उनको समझ में आ चुका है उन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब वो बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। किसी को मैरिज कमिटमेंट मिलेगी अपने पर्सन से, अब आपके पर्सन है इस एनर्जी में कि आपका कमिटमेंट दी जाए, और अगर आपकी मैरिड रिलेशनशिप में कुछ गलत हो रहा था काफ़ी दिनों से, तो हो सकता है अब चीज़ें सुधर जाए, आपके पर्सन अब वो पूरी बैलेंस बनाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे ये थोड़े, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं उनके, मैं क्लेरिफाई करूंगी कार्ड्स, बट अपने पूरे एक्शन में आ रहे हैं आपके पर्सन। आप दोनों में कुछ बहस भी हो सकती है, तो आपको ना गाइस थोड़ा कंट्रोल करना है, मैं बोलूँगी। देखिए कमिटमेंट तो देंगे आपको, लव कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, बट वही एक कार्ड और एक आया है कि फोर ऑफ कप्स। हो सकता है ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इन्होंने पास्ट में, इसीलिए आप आसानी से मानेंगे नहीं, क्योंकि आपका पहला ही कार्ड आया था ना ट्रस्ट इश्यू, आपने इतना मतलब वो कार्ड देखिए मुझे समझ में आ चुका कि इस तरह से आपने धोखा खाया ना, कि अब यही पर्सन कितनी दफ़ा भी आपको प्यार की प्यार भरी बातें बोले ना तो शायद आपका भरोसा ना हो। ये चीज़ें आपके पर्सन को भी अब हर्ट करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आप उन पे ट्रस्ट करें, वो चाहते हैं देखिए फैमिली का अगेन सेकेंड कार्ड आ चुका है। एक अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम था ना तो गाइज खुश हो जाओ, पोर्टल के बाद ये एनर्जी संभलती हुई दिख रही है, बैलेंस होती हुई दिख रही है, बहुत सारा अबंडेंस आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है, और आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, किसी किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है,
और किसी किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में परमानेंटली स्टेबिलिटी आ जाए, हीलिंग करेंगे। देखिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आ रहा है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो चुके हैं, आप काम कर रही उस पर, बट अब आसान नहीं है, ये सच बात है गाइस। अगर किसी का अगर भरोसा टूट जाता है ना तो संभलना बड़ा मुश्किल होता है। सब करो, बस किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि एक बार भरोसा तोड़ दिया फिर आपने दुनिया इधर की उधर भी कर ली, आप पे ट्रस्ट नहीं जमने वाला फिर से। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, अभी भी आपके पर्सन कुछ तो ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ कर रहे हैं, करेंगे आगे भी, जो चीटिंग कहलाती है, जिसे चीटिंग बोलते हैं। शायद इसीलिए ना आपका इनर सोल नहीं मानता है। एक मांगा था दो, दे देखिए झगड़े भी होंगे बट एक मांगा था दो आ गए, बट यहाँ पे ना एक बैलेंस बनते हुए दिख रहा है मुझे, फाइनली एक्शन भी दिख रहा है। देखिए किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आई है बाद में, तो यस आपके पर्सन एक परमानेंट और परफेक्ट एक्शन के साथ आएंगे, और थोड़े झगड़े रहेंगे, लेफ्ट आउट फील होगा, अकेले रहेंगे, फिर खुद को हील करेंगे, बट कुछ तो ऐसी एनर्जी है सेवन ऑफ सोर्स वाली जो अभी भी आपसे छुपी हुई, जो अभी भी आपके साथ एक तरह की चीटिंग मैं बोलूँगी हो रही है, तो थोड़ा संभल के रहिए। मैं देखूँगी फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि फोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट, फोर फाइव और टेन, फोर फाइव टेन, देखिए टेन बोला टेन ही आ गया। ये डेफिनेटली आपके मैरिड रिलेशनशिप में एक सुधार लाने की पूरी कोशिश हो रही है। टेम्परेंस यस मिस करेंगे, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कारण आपके पर्सन आपसे दूर है, आपका मिलना नहीं हो रहा है, तो यस उनका एक्शन तो है पूरा, एक आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाई जाए, आपके साथ अच्छे मतलब कीड़ वाली फैमिली चिल्ड्रन हो आपके, अच्छी स्टेबिलिटी हो, खुशियाँ हो, प्यार हो, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ, बट बैलेंस बनाने में लगे हैं। हो सकता है आपकी ओर से उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, इस कारण वो शायद मिस करेंगे, या फिर कोशिश करने के बावजूद भी आपका शायद मिलना ना हो, या फिर आपके पर आपकी वो एनर्जी उनको नहीं मिल रही है जो पहले थी, क्योंकि आपको हो चुके हैं ट्रस्ट इशू, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप निकलेंगे इसकी गारंटी थोड़ी कम लग रही है अब मुझे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी रहेंगी वो, इसीलिए आप उन पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हो सकता है झगड़े हो, मनमुटाव हो आप दोनों में, फिर खुद ही लिंक करेंगे, फिर कोशिश करेंगे और एक फाउंडेशन बनाएंगे, बट डेफिनेटली पोर्टल के बाद ये एनर्जी होने वाली है कन्वर्ट। फाइव ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है, फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही, फोर फाइव टेन, यस, क्योंकि चाहते हैं आप, हो सकता है आप ना फाइनेंशियली बहुत अच्छे स्टेबल हो, फाइनेंस सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, शायद इसीलिए आपके साथ एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं सेवन ऑफ सोर्स का भी कार्ड में क्लेरिफाई करूंगी, या फिर आपके पर्सन को पता चल चुका है कि आप ही के साथ एक स्टेबल फाउंडेशन है, आप ही के साथ वो सारी खुशियां हैं, आपके आप ही के साथ वो स्टेटस है लाइफ का जो हर कोई चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में हो और आपकी रिलेशनशिप में दिक्कतें चल रही थी, तो देखिए आपको छोड़ के कोई और लाइफ ये करना इतना आसान नहीं है, ये आपके पर्सन में भी चीज़ें समझ चुके हैं। नाइट ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटेकल्स, एक एक्शन का और एक स्टेबिलिटी का, भले धीमे ही सही बट एक स्टेबिलिटी लाएंगे इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन। नाइट की भी बड़ी एनर्जी आई, यूथ की एनर्जी बड़ी आई, हो सकता है ये ना 30+ बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे एज वाले लोग लग रहे हैं, 30+ हो सकते हैं, 35+ हो सकते हैं, या फिर 25+ भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी थी, तो हो सकता है आप लोग ना 25+ के यहाँ पे हो, एज में हो। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, देखिए नाइट ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है, मैंने बोला ना ट्रस्ट इश्यू है, ट्रस्ट इश्यू है, बट मैनिफेस्ट भी आपको जम के किया जा रहा है,
आपके ट्रस्ट इश्यू है, आपके ट्रस्ट इश्यू को सॉल्व करने की पूरी कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं और चाह रहे हैं, आपके जो ट्रस्ट इश्यू बन गए हैं, जो इस रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत ला रहे हैं, तो वहाँ से आप निकल जाइए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इसीलिए आपके पास वो कमिटमेंट ला रहे हैं, वो मतलब इस तरह से आपसे बातें की जा रही है, इस तरह से आपको प्रपोज किया जाएगा जिस तरह से आपने सोचा था, बट अब आपका क्या हो चुका है ना। क्योंकि एक साइकोलॉजी रहती है गाइस, देखिए एक रिलेशनशिप में हम लोग इतना दे रहे हैं और देखिए कि आप इस इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि जहाँ पे आपने अपना खुद का कोई अस्तित्व रखा ही नहीं है, आपने खुद को इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से डाल दिया है, ठीक है। और आपको पता चल रहा है कि आपके पीठ पीछे किसी ने वार कर दिया है। अब आपको पता नहीं वार करने वाला कौन है, छुरा भोंकने वाला कौन है, और ये आपका पर्सन ही है। आपको सामने वाले लोग बता रहे कि आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे वार किया है, बट आपको इतना ट्रस्ट है उन पे, आप मुड़के भी नहीं देख रहे कि नहीं मेरे पर्सन ऐसे नहीं हो सकते, ज़रूर आप गलत बोल रहे हो। बट जब आपके पर्सन सीधा जब आपके सीने में वार करते हैं, तब आप जब आप वो आप पे वार कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये चीज़ें आपको पेन नहीं करती है, आपको पेन क्या करती है कि आपके वो पर्सन आप पे वार कर रहे हैं जिस पे आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिसको लेके आपको बहुत लोगों ने बताया था और आपने उन पे भरोसा नहीं रखा था, आपने अपने पर्सन पे भरोसा रखा था और आज वही पर्सन आपके सीने को छलनी छलनी कर रहा है। अब ये चीज़ें हो गई, देखिए जख्म तो आपका था बहुत हुआ, पेन भी बहुत हो गया, आपने सी भी लिया अपने जख्म, आपने भर भी लिए, आप रोए गिड़गिड़ाए, काफ़ी हद तक हेल्थ पे आपके इम्प्रूव मतलब इफेक्ट हो गया, हो चुका। हो सकता है किसी किसी के हेल्थ अभी भी इम्प्रूव ना हो और किसी किसी के ने अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर ली है, बट अब हो चुका है कि आपने जब देख लिया है ना कि आपके पर्सन ने आपके सीने को छन्नी छन्नी कर दिया है, आपके ट्रस्ट को तार तार कर दिया है, अब वो लाख कोशिश आपके साथ कर ले, आपको बहुत मुश्किल हो रहा है उन पे ट्रस्ट करना। मैं देखूंगी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, पता नहीं ऐसे मुझे क्यों लगा कि मुझे बोलना चाहिए। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्परर, किसी किसी के लिए ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपके मस्कुलिन ने है आपको ये सारा दर्द दिया है, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपके मैरिड रिलेशनशिप ने आपके हस्बैंड थे, या फिर किसी के लिए अगर मैरिड रिलेशनशिप नहीं था तो आपके फादर फिगर कोई हो सकता है कि जिन्होंने आपको इतना सारा पेन दिया जो आपने कभी सोचा नहीं, या फिर ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप लगातार गाइडेंस लेते थे, जिन पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा था। यहाँ पे मुझे ये ना जाए, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि ईगो एंगर वाला मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन है आपके जो एक फैमिली के फाउंडेशन उन्हीं पे था। देखिए यहाँ पे फोर ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है सन का कार्ड, उनको पता चल चुका है आपके पर्सन को कि जो फैमिली है, खुशियाँ है, स्टेबिलिटी है, सारा जो अबंडेंस है, वो बोलते ना एक तरह का वैभव बोलते हैं, तो वो आप ही के साथ है। आप एक ऐसे पर्सन है कि जहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पे एक स्टेटस है, वहाँ पे सपोर्ट है, सब कुछ है। और आपका यही क्वेश्चन था कि सब कुछ तो मैंने दिया था, फिर इसको ऐसा करने की जरूरत क्या थी। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन ना थोड़े रफ और टफ डिसीजन लेंगे आपको लेके, आपके लिए, आपको लेके नहीं आपके लिए मैं बोल रही हूँ। देखिए वैसे बोला मैंने टेन ऑफ पेंटिकल्स, यस आपके फैमिली में आएंगे और वो सारी चीज़ें कट करेंगे जिनके कारण आपके लाइफ में बहुत इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, इतनी सारी दिक्कतें आई थी, उन सारी चीज़ों का एक टफ डिसीजन लेंगे, रफ होंगे उनके लिए, शायद हो सकता है डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था,
बट आपके पर्सन उस एनर्जी में आएंगे क्योंकि उन्होंने चॉइस किया है फैमिली, उन्होंने चॉइस किया है अबंडेंस, उन्होंने चॉइस किया है आपका साथ। तो आपके साथ के लिए जो भी चीज़ें एक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी इस रिलेशनशिप में उसको कट करेंगे आपके पर्सन। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सेवन ऑफ पेंटेकल्स। देखिए आपके पर्सन ना काम तो बहुत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और सोच रहे हैं कि अभी आप में कुछ तो बदलाव आ जाए। सेवन की एनर्जी बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे 7, 9, 10, 4, 5 ये नंबर्स देखिए आप क्या किस तरह से, किसी के लिए हो सकता है बर्थ मंथ, किसी के लिए हो सकता है बर्थ डेट, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली है कि आपसे रिलेटेड है। तो आपके पर्सन ना आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए। हालांकि उनको भी समझ में आ चुका है इट्स टू लेट फॉर देम, बट फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा यही कार्ड बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। देखिए सेवन ऑफ सोर्स का क्लेरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर भी और एक कार्ड लूंगी मैं। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज, मुझे सही से आंसर दे। जिसने वॉकआउट कर लिया था ना इस रिलेशनशिप में उसको समझ में आ चुका है, जिसने चीटिंग की थी आपके साथ, जिसने आपसे वॉकआउट कर लिया था, जो आपका डेस्टाइंड पार्टनर है, अगर आप मैरिड भी हैं, नहीं भी है, सिंगल कमिटमेंट में हो, लिविंग में हो, बट आपके पर्सन ने आपको आपके साथ चीटिंग की थी, आपसे वॉकआउट कर लिया था, आपके साथ चीटिंग करके आपके साथ वॉकआउट कर लिया था, जबकि उसको पता था कि आप उसके डेस्टाइंड पार्टनर हो, बावजूद उसके ये उसने काम किया था। तो ये सेवन ऑफ सर्कल क्लेरिफाई यही कर रहा है मैंने, क्योंकि मुझे लगा भाई इतना अच्छा कार्ड तो कैसे क्लेरिफाई कर रहा है। तो ये डेस्टाइंड पार्टनर मानते तो फिर क्या किया, तो ये डेफिनेटली वो उन्होंने वॉक अवे कर लिया था। एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, पास्ट में उन्होंने आपसे ये चीजें की है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ सोर्स के क्या एनर्जी को दो कार्ड्स ने यहाँ पे कर दिया है। यस अगेन हेरोफेंट, हाई प्रिस्ट, सॉरी हाई प्रिस्ट और क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स मैं बोल रही ना, यहाँ पे मैरिड कपल ही देख रहे हैं ये रीडिंग, और मोस्टली मैरिड लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें आई है, कुछ ना कुछ निगेटिविटी थी जिसके कारण आपकी रिलेशनशिप में पास्ट में चीज़ें खराब हुई थी, बट 3-3 बॉर्डर के बाद आपके पर्सन के एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है। यस वो अपना जो उनको इंट्यूशन हो चुकी है कि आप ही उनकी हस्ती गलती दुनिया आप ही हो, आप ही वो उनकी क्वीन हो, जिसके पास एक एक्शन है, जिसके पास एक स्टेबिलिटी है, जिसके पास एक मैच्योरिटी है, जो एक इंटिट्यू पर्सन, एक विजडम है, जो एक अच्छी खासी मतलब सोच समझ वाली एक, आप एक बहुत प्योर माइंडेड पर्सन आप हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया था कि डिवाइन जजमेंट, जो जजमेंट का कार्ड आया था कि मुझे वहाँ पे एनर्जी फील हुई थी कि यस डिवाइन अब आपके लिए फेवर करेंगे। तो डिवाइन जिसके लिए फेवर करते थे वो डेफिनेटली वो एक बहुत खूबसूरत सोल रहती है, क्योंकि डिवाइन गलत को तो कभी फेवर करेंगी नहीं, डिवाइन तो हमेशा उन्हीं की करेंगे जिन्होंने जो मासूम है, जिनके साथ गलत हो चुका है। तो आपको अपना करेज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ना पूरा यही आ गया है टेम्परेंस, टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं, अपने एक्शन में आएंगे। यस डेफिनेटली आपके आपका मैरिड रिलेशनशिप है तो वो भी सुधरते हुए मैं देख रही हूँ।
या अब 4 वीक 5 वीक हो सकते हैं, या फिर 9 और 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, 9 वीक या 10 वीक, या फिर 4 डे 5 डे 9 डे 10 डे, ये आपका टाइम हो सकता है जहाँ पे रिलेशनशिप में सुधार आ जाए। 7 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लेरिफाई हो रही है, बट मुझे 7 नंबर मुझे लगा नहीं इतना, मुझे जो लगा मुझे वो मैंने आपको बोला। तो गाइज ये है आपके पर्सन की एनर्जी आफ्टर 3-3 पोर्टल। यस आपके लिए आ रही वो सारी चीज़ें जो आप डिजर्व करते हो, बट आपका मन शायद बहुत ज़्यादा खटास आपके मन में अब आ चुकी है, आप मतलब नहीं चाहते अब सारी चीज़ें, बट क्या कर सकते हैं ना डिवा गाइज, आपको कुछ ना कहीं ना कहीं आके एक आपको भी एक माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ में चीज़ें चलती नहीं हैं। तो मैं आप ही को बोलूँगी कि देखिए, अगर आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा माइंड सेट इतना रफ और टफ ना हो, इतना स्ट्रक नहीं कर कीजिए अपने आप को, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, ओपन माइंडेड रहिए और गो विथ फ्लो की एनर्जी में आप रहिए, तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स आपके लिए जो काम कर रहे हैं, डिवाइन आपके लिए जो जस्टिस कर रहे हैं, तो उसका फेवरिज्म की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल जाए। मैं देखूंगी एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या डिवाइन आपके लिए काम तो कर रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जी में आया और आपके पर्सन की भी एनर्जी में आया, तो डिवाइन आपके पीछे है, आपके पीछे एंजल्स का भी काफ़ी सारा सपोर्ट है। आपको पता भी नहीं होगा कि एंजल आपको कहाँ कहाँ से किस तरह से ब्लेस करते हैं, किस तरह से आपके लिए काम करते हैं, आपको बस ग्रेटिट्यूड पे करना है। देखिए रोमांस है आपके रिलेशनशिप में, रोमांस है, दिल छोटा ना ना, ना कीजिए गाइस। अब जो हो चुका क्या कर सकते हैं, देखिए बोलना बहुत आसान है और जिस पे आती है तो उसी पे बहुत ज्यादा क्या मुश्किलात होती है वो समझ सकता है। टेक एक्शन बोल रहे हैं एंजल, अगर सच में बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप है और आपको पता है यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है रिलेशनशिप में, और आपको कोई न्यू, आपकी एनर्जी में आया था कि एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, लव प्रपोजल आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, आपके साथ एक रिलेशनशिप आ रहा है जहाँ पे प्यार भी है, स्टेबिलिटी है, पैशन है, सारी चीजें हैं जो आप चाहते हैं, क्लैरिटी, ऑनेस्ट है पर्सन, लॉयल है। आपके लाइफ में अगर कोई न्यू पर्सन ऐसा आता है, आप सिंगल और आपके लाइफ में ऐसा पर्सन आता है, तो डेफिनेटली एंजल बोल रहे हैं आप एक्शन लो, उस पर्सन के साथ भी आपके रिलेशनशिप में एक रोमांस है। अब मैं देखूंगी और एक मैसेज लूंगी मैं, एंजल्स आप मुझे प्लीज गाइड करें, मेरे दर्शक जो है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देंगे एंजल। और गाइज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे बने रहने के लिए, अपना सपोर्ट इसी तरह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह बने रहिए, धीरे धीरे करके हम अपने फैमिली बढ़ा देंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा सच में, देखिए मैंने बोला था ना किसी किसी का हेल्थ का इश्यू है, तो एंजल बोल रहे हैं आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, मेडिटेशन डेफिनेटली करें, इट ब्रिंग्स आंसर आपको ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर में क्या कैसा रहता है कि मेडिटेशन कर लिया आप क्या आंसर, देखिए एक दिन आपने मेडिटेशन कर लिया आपको दूसरे दिन कोई आंसर नहीं मिलेगा, एक स्लो प्रोसेस रहती है मेडिटेशन हीलिंग, आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। और देखिए सोच, अगर आप कुछ नहीं करेंगे सिर्फ ओवर थिंक करते रहेंगे और पास में जो चीज़ें हुई उसकी विक्टिम मेंटेलिटी में आप रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको लो वाइब्रेशन में ही डालेगी। तो बेटर क्या है इससे कि लो वाइब्रेशन में रहने से तो अच्छा है कि हम लोग मेडिटेशन कर ले, धीरे धीरे आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी जो सिक्स सेंस है वो स्ट्रांग हो जाती है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस, जो आपका मतलब क्या हो रहा है ना ये आपको पहले दिख जाता है कि हो क्या रहा है, और आपको गाइडेंस भी मिलता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेडिटेशन मैं तो डेफिनेटली मैं रोज करती हूँ और 2-3 घंटे मेरा मेडिटेशन रहता है, अब मेरे लिए एक टॉनिक जैसा हो चुका है। मतलब ये नहीं कि लाइफ में चीज़ें खराब हो चुकी, ये नहीं है,
मतलब स्ट्रेस इतना रहता है लाइफ में, तो कुछ ना कुछ खुद को एक हेल्थ इम्प्रूव करनी है, खुद को एक स्टैमिना बनाए रखना है, एक प्रोग्रेस में जाना है, अपनी सिक्स सेंस स्ट्रांग करनी है, ताकि पता चले कि क्या कहाँ क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या है। अब जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो ना, 5 महीने 6 महीने आप करते हो ना, तो आपके सामने अगर कोई पर्सन बात कर रहा है तो वो मुंह से क्या बोल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये तक आपको पता चल जाता है, इतनी आपकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। बट कोई भी काम करे तो शिद्दत से करिए, उसमें कंटिन्यूटी रहे। पता है बहुत लाइफ हेक्टिक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहते हैं लाइफ में, इसलिए हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, ओमकार का आप सुनते सुनते भी आप सो जाएंगे, तब भी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। तो गाइज ये थी आज की मेरी रीडिंग, आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक बटन करना, कमेंट करना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और क्लेम करना रीडिंग अगर रेजोनेट होती है। और अगेन मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।